गाइज, इस जमाने में अपने लिए जीने वाले लोग तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन दूसरों के लिए जीने वाले बहुत कम लोग हैं। इसी का एक एग्जाम्पल है बॉलीवुड सिंगर पलक मुच्छल, जिन्होंने आज से 17 साल पहले अपने भाई के साथ ही सोचा था कि वो अपने दम पर बच्चों की हार्ट सर्जरीज करवाएंगी। और आज 17 साल बाद ऑलमोस्ट 1314 से भी ज्यादा बच्चों की हार्ट सर्जरीज वो अपने दम पर करवा चुकी हैं, और वो भी एकदम सक्सेसफुल। और उनके इस सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए उनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है। तो उनके इस ह्यूमैनिटी कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए मैं उन्हें दिल से सलाम करता हूं। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि एक बार नासा ने अपने एडवांस्ड साउंड रिकॉर्डर से सूर्य यानी कि सन की साउंड को रिकॉर्ड किया, और उसके बाद वो साउंड उसने दुनिया को सुनाई भी, और ये बताया भी कि काफी हद तक सूर्य से आने वाली साउंड हमारे भारतीय वेद मंत्र ओम की साउंड से मैच करती है। हम वैसे भी हमारे भारतीय पद्धति में सूर्य को देवता मानते हैं, और अब तो साउंड भी ओम से मैच करती है। सो प्राउड टू बी इंडियन। सो गाइस, क्या आप इससे पहले तक की बात जानते थे? और नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि लॉकडाउन और क्वारंटीन होने की वजह से आपका समय बर्बाद हो रहा है और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो आप गलत सोच रहे हो। मैं आपको बता दूं कि दुनिया की महानतम खोजों में से एक खोज क्वारंटीन के समय में ही हुई थी। ये बात है सन 1665-66 की, जब लंदन में प्लेग फैला हुआ था और सबको क्वारंटीन कर दिया गया था। उस समय पे इसाक न्यूटन अपने घर के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उनके सर पर एक सेवा के घेरा था। ये घटना तो आपको याद होगी। अब उसके जस्ट बाद ही उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को लिखा था। सो गाइज, ऐसा नहीं है कि समय को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। जाओ, इसको यूटिलाइज करो, शायद आप भी न्यूटन की तरह कुछ नया डिस्कवर कर लो। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि जापान के एक म्यूजियम में एक ऐसा स्विमिंग पूल है जो ऊपर से देखने में स्विमिंग पूल के जैसा फील देता है, लेकिन एक्चुअली वो स्विमिंग पूल है ही नहीं। वो एक इल्यूजन है, एक आभास है, जिसे अर्जेंटीना के आर्टिस्ट लियांड्रो एनरिच ने तैयार किया है। एक्चुअली इस फेक स्विमिंग पूल में एक ग्लास का चैम्बर बनाया गया है, जिसमें गेट भी है और आप जा भी सकते हैं। इसको रियलिस्टिक बनाने के लिए उसमें एक सीढ़ी भी लगाई गई है, और उसमें वाटर की वेव्स को पैदा करने के लिए मशीन्स लगाई गई हैं। है ना अमेजिंग? क्या आप लोगों को पहले से बात पता थी? और अगर नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हमारे देश में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इन 7 बातों का ध्यान रखने को कहा है। पहला, आपके घर में वृद्ध जनों की विशेष तरह ध्यान रखें। नंबर 2, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की पालना करें और अपने घर में बने हुए मास्क को जरूर पहने। नंबर 3, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। नंबर 4, अपने मोबाइल के अंदर आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें और दूसरों को भी करवाएं। नंबर 5, गरीबों के भोजन की आपूर्ति की हर संभव प्रयास करें। नंबर 6, अपने व्यवसाय में जो आपके साथ काम करते हैं उनके साथ संवेदना रखें और उन्हें नौकरी से ना निकालें। और नंबर 7, कोरोना के योद्धाओं का रिस्पेक्ट करें, स्पेशली डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिसकर्मी और सफाई कर्मियों का रिस्पेक्ट करना ना भूलें। थैंक यू। गाइज, आप लोगों ने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और बहुत सारे सामानों पर मेड इन चाइना का स्टिकर लगे देखा होगा। ऑब्वियसली वो चाइना का प्रोडक्ट है तो मेड इन चाइना तो लिखा हुआ होगा, लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि मेड इन चाइना का ये स्टिकर चाइना में बनता ही नहीं है? एक्चुअली मेड इन चाइना का ये स्टिकर साउथ कोरिया से प्रिंट होके आता है। है ना ये अमेजिंग बात कि पूरी दुनिया को चाइना माल सप्लाई करता है मेड इन चाइना का स्टिकर लगा के, और ये मेड इन चाइना का स्टिकर चाइना में प्रिंट ही नहीं होता। क्या आप लोगों को ये बात पहले से पता थी? और अगर नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।